नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश की धरती इस समय चुनावी रंग में नजर आ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सारी राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल में विपक्ष में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। जिस तरह से प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर है, उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि वो चुनावों को गंभीरता के साथ कांग्रेस की मौजूदा हालत को समझ चुकी है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से अपने नेता को सत्ता में लाने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी जो हर चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर रही है, वो अपनी छोटी से छोटी कमी दूर करना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि 2022 से ही 2024 की राह खुलेगी। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। बाईस के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से राजनीतिक दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली से लखनऊ तक राजनीति के बड़े खिलाड़ी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। बीजेपी जहां संगठन स्तर पर बैठकें कर रही है, तो वहीं दूसरे दल सड़क के रास्ते सदन की कुर्सियों तक जाना चाहते हैं। कुछ समय पहले तक खामोश कांग्रेस में जान फूंकने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी वो हर संभव कोशिश कर रही हैं जिससे बीजेपी को पटखनी दी जा सके। प्रियंका गांधी ने कल अटल चौक पर स्थित गांधी प्रतिमा पर मौन धरना दिया, और धरने के बाद जब वो बोली तो साफ तौर पर बीजेपी को हर मुद्दे पर उन्होंने घेरने की कोशिश की। इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंची। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा और अभद्रता की शिकार महिलाओं से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि बीजेपी सरकार में ना महिला सुरक्षित है और ना ही कानून का राज है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में खुलेआम गुंडई हुई, लेकिन सरकार ने चुनाव को रद्द करना उचित नहीं समझा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सके, लेकिन प्रत्याशियों के पर्चे फाड़कर उनसे उनका अधिकार छीना गया है। प्रियंका गांधी की बातों से साफ नजर आ रहा है कि वो पूरी तरह से चुनावी मूड में हैं, और हाल फिलहाल जिस तरह से वो यूपी में दस्तक दे रही हैं, उससे यही लगता है कि बीजेपी के लिए वो खतरा बन सकती हैं। दूसरी तरफ कल हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी ने अपने सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी पर खुलकर निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि आतंकवादियों के शुभचिंतक विपक्ष की नकारात्मकता से लोगों को बचाना होगा। योगी ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ हमने कदम उठाया तो विपक्ष को परेशानी हो रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बम ब्लास्ट हुए, समाजवादी पार्टी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, ये उनका चरित्र उजागर करता है। सीएम योगी ने सीधे तौर पर अखिलेश को निशाने पर लिया। बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि यूपी में बीजेपी को सबसे तगड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी से ही मिल सकती है, क्योंकि बूथ स्तर पर अगर बीजेपी मजबूत है तो सपा भी जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में भले ही अभी लगभग 7 महीने का समय बचा हो, लेकिन राजनीतिक दल अभी से एक दूसरे के खिलाफ बिसात बिछाने लगे हैं। कोई जमीन पर लड़ रहा है तो कोई ट्विटर पर राजनीति कर रहा है, लेकिन अगले चुनाव की शुरुआत जरूर दिलचस्प होती जा रही है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है। जहां एक ओर 2022 के चुनाव नजदीक आ चुके हैं, वैसे ही सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सब अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी खबर, जहां प्रियंका गांधी इस वक्त 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंची हुई है, जहां लगातार दूसरे दिन वह सरकार पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। वहीं क्या इसका परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं आशीष कोटाडिया, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अश्विनी शाही बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ सपा से शालिनी यादव जुड़ी हुई हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी का जोरदार स्वागत है।
तो सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं और कांग्रेस से ही जानते हैं, जिस तरीके से प्रियंका गांधी इस वक्त यूपी दौरे पर हैं, दूसरा दिन है उनके दौरे का, लगातार वो सरकार पर हमलावर हो रही हैं, गंभीर मुद्दे उठा रही हैं और जनता के सामने अपना पक्ष रख रही हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने की कोशिश कर रही है? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार वापस प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रही है। नंबर दो, प्रियंका जी त्रिदिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। उनका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता के प्रश्नों को वर्तमान शासित सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, कि जिस तरीके से अभी आपके रिपोर्टिंग में जिस पर तरीके से रेखांकित किया गया कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया, महिलाओं के साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार किया गया, क्या ये है लोकतंत्र की परिभाषा? लोकतंत्र में असहमति को स्थान होना चाहिए, चुनाव में कदापि हिंसा स्वीकार्य नहीं है, किंतु वर्तमान सरकार के शासन में जो भी चुनाव होते हैं वो चुनाव बिना हिंसा के पूर्ण नहीं होते हैं। तो क्या वर्तमान सरकार लोकतंत्र के विरुद्ध कार्य कर रही है? प्रियंका गांधी जी का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं को और वहां की प्रजा की दिन प्रतिदिन के साथ जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से उनका सामाजिक और आर्थिक तौर पर शोषण हो रहा है, उनको देश की और प्रदेश की सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना और उनकी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना। आपको पता होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश के पिछड़े वर्ग और विशेष तौर पर दलित समुदाय और माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर जिस तरीके से उनका शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, ये वर्तमान में सबसे गंभीर मुद्दे हैं। इनको लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से लखीमपुर में जो जो हिंसा के विक्टिम्स थे, उन शिकार थे, उनके साथ दुख भी साझा किया। तो ये दर्शाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अतीत में भी और वर्तमान में भी देश के और प्रदेश के जो पिछड़े समुदाय है, जो कि हिंसा के शिकार समुदाय है, उन सभी समुदायों के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। जी, तो अश्विनी शाही, गंभीर आरोप लगे हैं बीजेपी पर, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी की वारदात हो चाहे बाकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मामले हो, पूरी तरह से बीजेपी इस वक्त विफल होती दिखाई दे रही है। तो गंभीर मुद्दों पर जिस तरीके से उठाए गए हैं, क्या लगता है इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? अनुष्का जी, देखिए, ये कोई गंभीर मुद्दा नहीं है और गंभीर आरोप भी नहीं है। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। चूंकि कांग्रेस पिछले 2-3 चुनाव से 5-6% की पार्टी रह गई है, इनके पास 5-6% का वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश में है और जनाधार 30 साल से तो इनका वही चला आ रहा है, कभी 12% से नीचे गिरकर आ चुका है 5-6% पर। इनकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा जी पर्यटन पर आती है, राजनीतिक पर्यटन होता है, जो पिछले 2019, 20 और 21 तीन दौरे हो रहे हैं उनके। 19 में आई थी, फिर 20 में आई, फिर आज 21 में आ रही। तो आज तो 8 महीने बाद का यह अंतराल, 8 महीने बाद का है। 8 महीने बाद राजनीतिक टूरिज्म पर आई है। पहले आती थी ये अमेठी और रायबरेली में, 1 हफ्ते चुनाव लड़ती थी, अपने माताजी को और अपने भाई को चुनाव लड़ाती थी और चली जाती थी। इनका कोई व्यक्तिगत जनाधार नहीं है। इनको कांग्रेसी लोग कहते हैं कि इंदिरा जी की तरह दिखती है, वही उनका एक गुण है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई हैं, वो आती हैं, घूमेंगी, 3-4 दिन टूरिज्म करेंगी, फिर चली जाएंगी। असली काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस महिला सुरक्षा की ये लोग बात करते हैं, नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। ये अगर नारी का सम्मान करना होता अनुष्का जी, तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। राहुल जी और प्रियंका जी से भी मेरा सवाल है और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता से भी सवाल है। अभी कुछ दिन पहले भरतपुर में एक डॉक्टर दंपत्ति को मार दिया गया था, तो दंपत्ति में नारी भी होती है, किस तरीके से किया गया? और अभी पिछले हफ्ते 2 दिन में 9 बलात्कार राजस्थान में हुआ, उसका भी तो संज्ञान लेना चाहिए प्रियंका जी को और राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को। तो वहां पर कोई सम्मान नहीं है, सारा सम्मान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। दौरे करेंगी, अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, आना चाहिए। राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय वो महासचिव है, वो आए। मगर भारतीय जनता पार्टी अपने बेहतर कामों के लिए आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में कृत संकल्प है 23 करोड़ जनता के लिए, कि हमको उनके लिए शिक्षा मुहैया बढ़िया कराना है और हम पीछे से बेहतर कर रहे हैं। हमको स्वास्थ्य बेहतर करना है, हम आज मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोलने का काम कर रहे हैं, अभी 9 का उद्घाटन भी हुआ। मेरा कहने का मतलब है चतुर्दिक
हम विकास की बात कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। अभी देखिए बाराबंकी में 300 करोड़ की लागत से ब्रिटानिया अपना एक फैक्ट्री लगा रही है, जिसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा यह आप सोचने की बात है। नोएडा में सैमसंग कंपनी और दूसरी कंपनियां जो मोबाइल की कंपनियां हैं, उन लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट लगाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे कितना हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है अनुष्का जी, इससे अनुमान लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार कितना बढ़िया काम कर रही है निर्बाध गति से। जी, जिस तरीके से अश्विनी आप बता रहे हैं, जिस तरीके से आप विकास के दावे कर रहे हैं, उनके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं शालिनी यादव के पास जाना चाहूंगी। शालिनी, आपने सभी को सुना, जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस ने भी अपना चुनावी बुगल फूंक दिया है, प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश में, लगातार वो सरकार के खिलाफ हमलावर हो रही है, वहीं योगी सरकार भी लगातार चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है, ऐसे में सपा कहां है, सपा के सुप्रीमो कहां है, वो अपना स्टार प्रचारक जो सपा का है वो आजकल दिखाई क्यों नहीं दे रहे? देखिए, अभी आपने कहा कि कहां है सपा, कहां है, तो अभी आपने देखा, अभी 15 तारीख को ही ये जो उत्तर प्रदेश चुनाव में जो धांधली हुई और जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई और जो लोकतंत्र का चीरहरण किया गया, जिस तरीके से महिलाओं का के साथ अभद्रता हुई और जो तस्वीर देखी प्रदेश ने, शायद वो आज का विश्वगुरु भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसकी तस्वीर तो ये बिल्कुल नहीं थी। और जहाँ तक आपने कहा कि इस मुद्दे को लेकर के, इस पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव के मुद्दे को लेकर के, अभी 15 तारीख को ही पूरे प्रदेश भर में जो प्रदर्शन किया और जो विरोध दर्ज कराया, और प्रधानमंत्री बनारस में, मैं चूंकि बनारस का प्रतिनिधित्व करती हूँ, बनारस में प्रधानमंत्री के रहते हुए सारी शासन की सारी शक्ति आप जान रही हैं कि किस तरीके से शासन इस बार विपक्ष के पीछे उनके खिलाफ किस तरीके से लामबंद है, उसको धता बताते हुए जिस तरीके से हम लोगों ने भारी संख्या में प्रधानमंत्री के सामने उस विरोध को दर्ज कराया है, ये वही लड़ाई है जो पूरे प्रदेश में सिर्फ सपा ने ही गांव-गांव जिले-जिले में इस लड़ाई को खड़ा किया है। जी, तो शालिनी, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि 15 तारीख को ही सपा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है, तो उसमें मैं आपकी एक बात को और जोड़ना चाहती हूँ कि प्रदर्शन किया गया लेकिन कार्यकर्ताओं के द्वारा, वहां सपा सुप्रीमो कहीं नजर नहीं आए, उनके आवाहन पे जरूर हुआ था लेकिन वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। चलिए इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मनीष सिंह का रुख करना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो, गहरे तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ रहे हैं। तो मनीष, मुझे बताइए, जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी कह सकते हैं कि लखीमपुर खीरी पहुंची थी, जहां पर उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई है, बीते दिनों उनका मौन प्रदर्शन देखने को मिला था जहां पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे, क्या इसका फायदा 2022 में कांग्रेस पर कुछ भी देखने को मिलेगा? देखिए, जहां तक प्रियंका गांधी की बात है, 18 महीने बाद, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि वो लखनऊ की धरती पे है, और इससे पहले वो 2019 में थी जब एसआर दारापुरी के यहाँ वो मिलने गई थी, सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था उसके बीच में वो मिलने गई और वहाँ पर एक उनके हाथापाई भी हुआ वो एक पुलिसकर्मी से। तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आती हैं और लगातार वो देखती रहती हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने ये भी कहा था कि सोनभद्र में जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ था, उसके बाद हाथरस का जो केस हुआ था, उन्नाव में जो हुआ था, लगातार उनकी उपस्थिति वो दर्ज कराती रहती हैं लेकिन वो रुकती नहीं है। ये स्टेबिलिटी की जो कमी है प्रियंका गांधी में, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। लेकिन कल मैंने एक बात कही थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और जिस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी को किसी भी इलेक्शन में स्नैच करते हो, लखीमपुर खीरी आज वो गई, एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ जिस तरह से आपने देखा पंचायत चुनाव में एक महिला के साथ लखीमपुर खीरी में, हम सबको उनका नाम मालूम है लेकिन ऑन स्क्रीन उनका नाम लेना नहीं ज़रूरी है, के साथ जो एक प्रकरण हुआ जिसमें उनकी साड़ी खींची गई, आज वो उनसे डायरेक्ट जाके मिली। आप समझिए, एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से वो जाके मिलती हैं उसके, और अपने उपस्थिति वहाँ पे दर्ज कराती हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। उन्होंने उस जो कहते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाया, कल वो मौन व्रत रहीं, और एक बेसिक पैटर्न है उनका कि महिलाओं के खिलाफ जब भी कहीं अत्याचार होता है उत्तर प्रदेश में खासकर, तो उनकी वो बड़े मुखर रूप से सामने आती है। हाथरस में जैसे मैंने आपको बताया था पुलिस वालों को ढकेलते हुए जो उनकी फोटो थी वो बहुत वायरल हुई थी, उसके साथ ही साथ आप ये देखिए, सरकार विरोध कर रही थी, सरकार ने कई बार मिलने से रोका लेकिन दो दिन बाद सरकार को बैकफुट पे होना पड़ा। बड़ा चेहरा है, कद्दावर चेहरा है, अपॉर्चुनिटी उनको पकड़नी आती है लेकिन टिकना उनको पड़ेगा। अगर वो उत्तर प्रदेश में टिकती हैं तो वो बहुत बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। देखना है बीजेपी यहाँ से कैसे आगे बढ़ती है, और जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि
लगातार प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री परसों आए और परसों वो एक उद्घाटन भी यहाँ पर करके बनारस में आए, कई उन्होंने उद्घाटन करे, बहुत सारी योजनाएं दी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उससे पहले भी जो बनारस की तस्वीरें आई वो इतनी अच्छी नहीं थी, जब पानी भर जाता था और मीडिया पे वो तस्वीरें बहुत वायरल हुई, और आज जिस वो ओपीडी का कल जो है कह रहे हैं इनॉग्रेशन करके आए थे, अभी उसकी फॉल सीलिंग गिर गई है, 45 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो चीज़ें भी मीडिया में है, दो दिन पहले वो करके आए हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब प्रियंका गांधी इन सब अपॉर्चुनिटीज़ का कैसे फ़ायदा उठाती हैं। क्या वो ब्राह्मण वोट बैंक, मैं हमेशा कहता हूँ जो खिसक गया है कांग्रेस के हाथ से, जिसके लिए जतिन प्रसाद को लगाया गया था, क्या उस पर वो पकड़ बना पाती है? क्योंकि देखिए पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, ये जितने भी हिस्से हैं इनकी अपने अपने अलग राजनीतिक पैटर्न है, अलग अलग तरीके हैं इनके चुनाव लड़ने के, यहाँ पर उनका क्या इम्पैक्ट रहता है? बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज नवी बार जो है इस माह में जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या ये इस अपॉर्चुनिटी को बना पाती है? क्योंकि लोग कह रहे थे पिछली बार कि भाई प्रियंका गांधी को यहाँ आना था, यहाँ रुकना था, यहाँ कार्य करना था, लेकिन उनसे पहले संजय सिंह आए, और मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से पिछले 2 महीने में संजय सिंह ने अपनी लगातार ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना विरोध प्रदर्शन दिखा के और एक घोटाले का भी कथाकथित उन्होंने उजागर करने की कोशिश करी, ट्रस्ट वाली भूमि के बारे में भी जो उनका उजागर था, उससे उन्होंने एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करा, लोगों ने कहा आने वाली थी प्रियंका गांधी, आ गए संजय सिंह। तो अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी अगर यहां पर रुकती हैं तो जरूर उसका फायदा कांग्रेस को कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ये सब जानते हैं कि लखनऊ से ही जो है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ही जो है 2024 का रास्ता खुलता है, अगर ऐसा ना होता तो प्रधानमंत्री स्वयं बनारस से 2 बार चुनाव नहीं लड़ते। तो ये देखने वाली बात होगी। आज वो लखीमपुर गई, समाजवादी पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन वो राष्ट्रीय महासचिव होने के बाद उनकी पार्टी से मुझे नहीं लगता शायद कोई बड़ा नेता उसके पास पहुंचा होगा जो वहां पर जिस महिला के साथ वहां पर जो जिस तरीके का साड़ी वाला प्रकरण हुआ, लेकिन वो पहुंची और उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने आज बुलाने की कोशिश करी और लगातार हमलावर हैं और ट्विटर पे लगातार अगर आप उनको फॉलो करते हैं देखिए, जब पिछले 1.5 सालों में जिन्होंने उनका पैटर्न देखा है, उन्होंने एक महिला लॉबी एक तरीके की क्रिएट करी है, सुप्रिया श्रीनेत जैसी और अलका लांबा जैसी, मैं हमेशा कह रहा हूं कि ऐसी गद्दावर जो प्रवक्ता है, रूल्ड कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट्स पर, लेकिन पिछले 6 महीने, पिछले 3 महीने में जिस तरीके के मुद्दे भी कांग्रेस को मिले और विपक्ष को मिले, उस तरीके से जो प्रवक्ता है उनके ऊपर ही बहुत अच्छा कार्य हुआ और ये चीजें देखने को मिल रही है। अब देखते हैं इसका फायदा क्या मिलता है और कैसे वो ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, क्योंकि आज केशव प्रसाद मौर्य जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय, उन्होंने भी एक अपनी बात कही कि जो है देखिए वो आई है पर्यटन करने आई है और करके चली जाएंगी। तो देखिए हमलावर सब लोग है, मुख्यमंत्री उतर रहे हैं डिफेंड करने के लिए, तो चेहरे में कुछ ना कुछ तो दम होएगा ही। अब देखते हैं कि इसका परिणाम कहाँ पे जाता है। जी तो मनीष, जिस तरीके से आपने कहा है कि मुद्दा उठाया है, लेकिन क्या इस मुद्दे को भुनाने में वो कामयाब होगी, इसके लिए जरूरी है कि वो पहले ये समझे कि पर्यटन से ज्यादा वो उत्तर प्रदेश पर ध्यान दे। जिस तरीके से उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो पर्यटक के तौर पर उत्तर प्रदेश पहुंचती है, ऐसे में आशीष आपसे पूछना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी पर ये सवाल उठ रहे हैं कि और 1.5 साल बाद आज कल लखनऊ पहुंचती हैं, आज वो लखीमपुर खीरी पहुंची जहां पर उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की, तो ऐसे में जब चुनाव नजदीक आते हैं या फिर जब 2022 का वक्त अब 7 महीने से कम का रह गया है, ऐसे में महिला सुरक्षा और कानून की आपको याद आ रही है? आपको उत्तर देता हूँ, जब सोनभद्र की बात हो, हाथरस की बात हो और उन्नाव की बात हो, जब उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं थे किंतु उसके पश्चात भी प्रियंका गांधी जी ने जो विक्टिम्स थे परसिक्यूशन से उनसे मुलाकात की, आज जब लखीमपुर में गई है तब भी हमारा उद्देश्य चुनाव को केंद्र में रखकर नहीं है। मैंने उससे पूर्व भी अपने ही एक चर्चा में इस बात को रेखांकित किया था कि जब जब उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न होगा, उनके साथ भेदभाव होगा या फिर उनके साथ पूर्ण तरीके से अभद्रता का व्यवहार किया जाएगा, तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके समर्थन में और उनके पक्ष में खड़ी रहेगी। और वर्ष 2004 में जब चुनाव हो रहा था तब हमारा राष्ट्रीय चुनाव का एक नारा भी था कि कांग्रेस का साथ गरीबों के हाथ। तो हम जो राजनीति करते हो देश के पिछड़े समुदाय हो समावेशी विकास को केंद्र में रखकर करते हैं, ना कि बीजेपी की तरह एक हिंदुत्व का एजेंडा लाना और कम्युनल पॉलिटिक्स करना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को इम्पोज करना और लीडरशिप को पूरी तरीके से सेंट्रलाइज करके
जहां पे डिसेंट को कोई स्थान ना हो, इस प्रकार की राजनीति हमारी राजनीति नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं और हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी पूर्ण तरीके से सक्रिय होगी और सभी दलों को साथ में लेकर और उनके एजेंडा को केंद्र में रखकर भी हम कार्य करेंगे। और हाँ, इस बार किसी भी प्रकार का गठबंधन का भी आपको पता होगा, ऑफिशियली तौर पर किसी भी प्रकार की जानकारी आई नहीं है। तो हमारा उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को और प्रजा के प्रश्नों को मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करना। और हाँ, 2022 में मैंने इससे पूर्व भी जिक्र किया था कि बदलाव बड़े बृहद स्तर पर होगा और इसका प्रभाव वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव पर प्रत्यक्ष तौर पर पड़ेगा। जी तो आशीष, जिस तरीके से इस वक्त मेरे पास में आंकड़े हैं, जहां 2017 में कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, 117 सीटों पर वो लड़ रहे थे जिसमें से सिर्फ 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि थोड़ी सक्रियता को और बढ़ाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आपने साफ तौर पर आगामी चुनाव में गठबंधन नहीं करने, ऐसे में कांग्रेस को जरूरत है थोड़ा और बकल अप करने की। यदि पिछले चुनाव में जो जो त्रुटियां हमने की है उसका हमने आत्म मंथन किया है, वो रिपोर्ट भी हाई कमांड को सौंपी गई है, तो इस बार हमारी सक्रियता और बढ़ेगी। और जहां तक पराजय और जय का प्रश्न है तो वो प्रजा के ऊपर है। सभी चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, किंतु हम हमारी आइडियोलॉजी के साथ, हमारे जो नैतिकता है, नियम है, उनके साथ समझौता नहीं करते। जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या फिर नवनिर्मित आम आदमी पार्टी हो, जो फ्री की पॉलिटिक्स कर रहे हैं सभी प्रदेशों में, उनकी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कदापि राजनीति नहीं करती। हमारा उद्देश्य होता है वेलफेयरिज्म का, स्टेट वेलफेयरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको केंद्र में रखकर हम पॉलिटिक्स करते हैं, ना कि कॉम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो आरएसएस और बीजेपी कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में। जी तो आशीष, कांग्रेस को जरूर जीत का रास्ता तय करना है, लेकिन ये जीत का रास्ता काफी लंबा होने वाला है क्योंकि ये काफी लंबा गैप हो चुका है। ऐसे में मैं बीजेपी की तरफ रुख करना चाहूंगी। अश्विनी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं लगातार बीजेपी पर, गंभीर आरोप, महिला सुरक्षा हो चाहे कानून व्यवस्था हो, ऐसे में इन गंभीर आरोपों के लगने के बाद अब बीजेपी का रुख आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि मुद्दे वाजिब है? अनुष्का जी, देखिए, विपक्ष है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और सरकार में हम हैं, हमको जवाब देना पड़ेगा और दे रहे हैं। इसलिए मैं जवाब देना चाहूंगा कि अगर सुरक्षा की बात होती है, महिला सुरक्षा, मैंने पहले भी कहा कि नारी के सम्मान में और भारतीय जनता पार्टी मैदान में हमेशा खड़ी रही है, और आज से नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग नारी की सुरक्षा पर तब से काम कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टी, अश्विनी, अगर आपकी पार्टी अगर महिलाओं के साथ खड़ी हुई थी तो उन्नाव कांड, हाथरस कांड और ये लखीमपुर खीरी का कांड हमें देखने को नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं गलती तो आपकी पार्टी की है। कोई गलती नहीं है हमारी पार्टी की, और इतने कांड हुए हैं तो त्वरित गति से जो है सबको अरेस्ट करके और सजा दिलवाने का न्यायप्रिय काम किया गया है। 23 करोड़ की हम लोग प्रदेश में रहते हैं अनुष्का जी, ये छोटा मोटा प्रदेश नहीं है, ये देश है, और इस देश में ये चीजें जो है एकदम से, अगर कोई कह दे, आप कह दे, हम कह दे, बहुत ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार होगी और वो कह दे कि नहीं, एकदम नहीं होती है, घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होती है। छोटे छोटे प्रदेश जहां 2 करोड़ और 1 करोड़ की आबादी है, वहां भी आप देखिए किस तरीके से, मैंने राजस्थान का भी आपको वो किया, राजस्थान में देखिए महिला रेप और महिला उत्पीड़न की घटनाओं में नंबर 1 पर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको नहीं करना है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान तक नहीं पहुंचते हैं अभी, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अगर अगर आपने कांग्रेस के व्यक्ति को बैठाया है, वो यहाँ 5% की पार्टी है, तो कांग्रेस शासित प्रदेश होंगे तो मुझे बात करना जरूरी होगा, क्योंकि आईना दिखाना पड़ना चाहिए। आईना जब भी कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूंगा, मैं ये कहूंगा कि आईना जब भी उठाओ तो पहले देखो फिर दिखाओ, तो कांग्रेस पार्टी पहले अपने प्रदेशों में जाके फिर उत्तर प्रदेश की बात करे। मैं उत्तर प्रदेश में कहना चाहता हूं, आपने अभी अपराध की बात की, अपराध की बात पर मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है जिसमें अपराधी उत्तर प्रदेश आने से कांपते हैं, थर थर आना नहीं चाहते हैं। अभी आपने एक कांड देखा होगा मुख्तार अंसारी का, कांग्रेस की सरकार है वहां, उस कांग्रेस की सरकार ने उनको वहां पर संरक्षण दे रखा था, और किस तरीके से कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार उनको लेकर आती है, पंजाब सरकार कांग्रेस की सरकार है वहां, वो कोर्ट में जाती है बचाने के लिए, ये नहीं जाना चाहिए। अतीक कामत की सारी संपत्ति नेस्तनाबूद कर दी गई, सपा के वो आदमी हैं, सपा के नेता हैं वो। आज देखिए
उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी जी आए हैं उन्होंने कहा है जिसकी जो जगह है वह जहां है वहां पर भेजा जाएगा। है किसी मुख्यमंत्री में हिम्मत अपराधियों के सामने इस तरीके से बात कर दे? तुष्टीकरण की राजनीति वो लोग करते हैं, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। माननीय योगी जी ने स्पष्ट कहा था कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ दें या जेलों में उनकी जगह है, नहीं तो वहां पहुंचा दिए जाएंगे जहां उनको जाना है। तो उसके बाद आज इस तरीके का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखिए, अपराध कम हो गए हैं तब जाकर यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अच्छे नंबर ला पाए हैं। बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करने अब आ रहे हैं, सपा की सरकार में नहीं आते थे ना बसपा की सरकार में आते थे। अनुष्का जी ये भी देखना पड़ेगा, आप आरोप लगाने से कोई दिक्कत नहीं, हमको आरोप लगाया जाए लेकिन तथ्यागत आरोप अगर लगाए जाएंगे तो मैं मानूंगा। अब ये तीन पीढ़ी की घटना को लेकर चले आएंगे जिस पर अभी क्या है लखीमपुर की घटना की चर्चा सब लोगों ने किया, कौन सा ऐसा जो है यही गायत्री प्रजापति सपा के थे उनको जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा तब तक वो जेल नहीं भेजे गए थे। और लखीमपुर में नहीं, सुन लीजिए अनुष्का जी, सुन लीजिए लखीमपुर में पूरा थाना अश्विनी मैं बहुत पुरानी घटना की बात नहीं करूंगी, शायद आप विकास दुबे के केस को भूल रहे हैं, शायद आप विकास दुबे के केस को भूल रहे हैं, वो शायद आप ही की सरकार में हुआ था। विकास दुबे अपराधी था, मारा गया, पर जिस तरीके से वो फल फूल रहा था वो आपकी सरकार में ही तो फल फूल रहा था जिसके बाद इस तरीके से किया गया है। तो चलिए इस आपसे आप जी जी आपसे मैं सुन लीजिए, नहीं इसका जवाब आप सुन लीजिए अनुष्का जी, हमारे जब से योगी जी की सरकार आई विकास दुबे जेल में था, सबसे ज्यादा दिनों तक वो जमानत पर बाहर आया था, उसके पहले सपा की सरकार में उसको सुरक्षा सपा सरकार ने दी थी, और उस अपराधी ने वो वहां पर की वहां पर अगर वो उसकी हत्या होती है और आप उसको महिमा मंडित कर रही हैं तो ये शर्मसार करने वाली बात है। मैंने सीओ की बात की कि सीओ समेत पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया माननीय योगी जी के द्वारा लखीमपुर में, वो घटना होती है और उसके साथ जो वहां पर लोग थे उसमें उनको जेल हो गई, तुरंत वो बंद किए गए। इतना त्वरित कार्यक्रम किया गया योगी जी की सरकार में, कानून व्यवस्था पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और आप लोग इस तरीके की बात करें, विकास दुबे कांड को वापस बोलिए, महिमा मंडित कर रही है आप अपने इस अच्छे चैनल पर उनको, उस अपराधी को महिमा मंडित कर रही है जिसको हम लोगों ने अपराध के चक्कर में जो है 7 पुलिस वालों को वहां पर उसने मारा था, कितना खूंखार नरसंहार किया था उसने, उस नरसंहारी को अगर मार दिया पुलिस ने तो उस अपराधी को कोई गलत नहीं किया, लेकिन वो जांच चल रही है उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। अश्विनी जी किसी को महिमा मंडित नहीं कर रहे बल्कि आपको बता रहे हैं कि विकास दुबे का जो केस हुआ था वो आप ही के शासन काल में हुआ था जिसमें 8 पुलिस कर्मियों को शहादत देनी पड़ी थी, तो हम किसी को महिमा मंडित नहीं कर रहे। चलिए मैं आपके पास आती हूँ अश्विनी, मैं आपके पास आती हूँ शालिनी यादव, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी पहुंची लखीमपुर खीरी पहुंची है जहां पर सपा समर्थित प्रत्याशी से मिली, वो वही अखिलेश यादव ने उनका स्वागत भी किया है, तो क्या लगता है कि ये वोटों में सेंधमारी है या फिर 2022 में कोई और खिचड़ी पकने जा रही है? देखिए राजनीति में जनता की लड़ाई कोई एक दिन की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, उसे आपको सड़क पर उतर के अपनी जनता के लिए प्रतिदिन लड़ना होता है। और प्रियंका जी आई हैं, स्वागत है उनका, और पिछली बार कब आई थी आप अच्छे से जानती हैं, तो आ करके और उसको उस मुद्दे को हेडलाइन मैनेजमेंट की तरह कैश करना और फिर उसके बाद फिर वापस चले जाना, मुझे लगता है कि अब चूंकि चुनाव अब ऑनसेट, वी आर ऑन जस्ट ऑनसेट ऑफ विधानसभा इलेक्शंस, तो मुझे लगता है कि शायद अब वो ज़्यादा बार आएंगी, उनको आना भी चाहिए, और मेरा तो मानना है कि उनको बल्कि अब यहाँ रुकना चाहिए अगर वो सचमुच में मानती हैं कि जनते की महिलाओं की बातों को उठाती हैं और उस पर उनका संज्ञान है तो वो उन्हें करना चाहिए। और लेकिन जो लड़ाई लखीमपुर खीरी जो एक की बात हो रही है वो एक प्रतीक है, वो ये प्रतीक इस बात का है कि आज भाजपा के राज में महिलाओं की ये स्थिति है जो पूरे प्रदेश में है, और जब ये पंचायत चुनाव हुए तो ये हर जगह ये हाल रहा है, ये घटना तो हाईलाइट हुई है लेकिन कहीं ना कहीं चंदौली में कहूँ, मैं बनारस में कहूँ, सब जगह इस तरीके का महिलाओं के साथ, अन्य प्रत्याशियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार और अभद्रता हुई है। तो उसकी लड़ाई जो लड़ रहा है वो जिले जिले गांव गांव जो लड़ रहा है वो सपा समाजवादी पार्टी लड़ रही है, क्योंकि उन्हीं के पास वो ऐसा नेतृत्व है जिसके एक आह्वान पर समाजवादी सड़क पर उतर आते हैं और हर मुद्दे पर, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, प्रवासियों का मुद्दा हो, और आज ये महिलाओं का जो मुद्दा आप कह रही हैं। दूसरी बात,
मैंने अभी भाजपा जो प्रवक्ता ने अभी एक बात कही, मैं एक मिनट लूंगी आपका। जी जी जी। उन्होंने अभी कहा कि अगर ये सब घटनाएं हुई हैं, आपने कहा हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ और अब लखीमपुर में हुआ, उनका कहना है कि अगर ये सब घटनाएं हुई हैं तो उसका कॉम्पेंसेशन हुक दिया गया है, तो क्या महिला सुरक्षा अब कॉम्पेंसेशन का विषय है? मैं पूछना चाहूंगी उनसे, जो बात जो महिलाओं को लेकर के बड़े बड़े वादे करके जो सरकार आई थी, आज वो इस तरीके का वक्तव्य उनके सामने आज ऐसी घटना पर देना शर्मनाक है उनके लिए। और अगर महिला सुरक्षा पर, अगर महिलाओं की बात वो आज ये कर रहे हैं, तो अगर महिला सुरक्षा पर किसी ने काम किया है तो वो अखिलेश यादव ने किया है। आप देखें जिस तरीके से इस वक्त आप महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं, आपका मुद्दा उठाना वाजिब है, लेकिन आपकी सरकार के वक्त भी महिलाओं की सुरक्षा पर कोई खास ध्यान दिया नहीं गया था। अगर इस सरकार की बात करें तो कम से कम महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया गया, कार्यक्रम चलाया गया, पर आपकी सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई कार्यक्रम हमें देखने को ही नहीं मिला। कार्यक्रम अगर इस सरकार ने चलाया है तो ये सब घटनाएं रोज किस लिए हो रही हैं? आप मुझे बताइए कौन सा कार्यक्रम चला रहे हैं? आज जो पंचायत चुनाव में जो हम महिलाओं को स्वर्गीय राजीव गांधी ने ये आरक्षण की व्यवस्था की थी, जो हमें हमारा संविधान, उस हक को छीनने के लिए किस तरीके से निर्लज्जता से इन लोगों ने आज लोकतंत्र का चीरहरण किया है, उससे सभी वाकिफ हैं। तो ये किस तरीके की महिला के कार्यों की और उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? कार्य हुए हैं तो अखिलेश यादव ने किए हैं, चाहे विमेन पावर हेल्पलाइन रही हो, चाहे लैपटॉप का वितरण करके उन्हें शिक्षित करके उन्हें आगे लाने की बात हो, चाहे कराटे के प्रशिक्षण स्कूलों में बालिकाओं को देने की बात हो, और महिला थाना पर महिला ऑफिसर्स की नियुक्ति करना हो, ये सारे काम जो किए हैं वो अखिलेश यादव ने किए हैं। जो लोग आज बात कर रहे हैं वो मैं कहती हूँ उनको माफी मांगनी चाहिए जो इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं। जी, तो शालिनी, जिस तरीके से आप अपने कार्यों के बारे में बता रही हैं, सपा ने जिस तरीके से कार्य किए हैं, तो जिन कार्यों के बारे में आप चर्चा कर रही हैं वो कार्य 2017 से पहले के थे, 2017 में वो काम नहीं आए और जनता को कहीं पर भी शायद उन पर विश्वास नहीं हुआ, शायद इसीलिए आपकी सरकार को हार का सामना करना पड़ा था, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक मनीष जुड़े हुए, तो मनीष जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने सभी की बात को ध्यान से सुना, सभी का साफ तौर पर इस वक्त ये कहना है कि कोई भी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करने वाली है, साफ तौर पर अभी सबका यही मानना है, लेकिन अंदर ही अंदर सुगबुगाहट चल रही है, छोटे छोटे दलों से मिलने का कार्यक्रम जारी है, सपा प्रमुख भी संजय सिंह से मिल रहे हैं, जिसको लेके अटकलें लगाई जा रही है कि गठबंधन हो सकता है, तो क्या लगता है कि क्या स्वतंत्र रूप से ये चुनाव होने वाला है या एक गठबंधन की सरकार हमें देखने को मिलेगी? देखिए, अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं और सरकार की बात कर रहे हैं, तो कोई सरकार ऐसी है नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जो बिना गठबंधन के चल रही हो। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से है सरकार में, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में भी अपना दल और सुहेल देव सिंह जी की पार्टी से इनका गठबंधन रहा है और उसके साथ ही चुनाव लड़के आए और जीत कर आए और रहे। तो गठबंधन की बात कोई ना करें, ये तो देखिए राजनीतिक अपॉर्चुनिटी होती है, सबको पता है। जिस तरीके से अभी भी ये चल रहा है कि अंदर खाने बात चल रही है, जिस तरीके से एक मोमेंट भी हुआ अभी कि संजय सिंह आए और अखिलेश यादव जी से उनके बर्थडे के, उनके जन्मदिन के आसपास मिले, तो उस पर भी बहुत सारी बातें उठी। और बात ये भी उठी कि जो है किस तरीके से जो है आगे गठबंधन करा जाएगा, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी, या लगातार देखिए आप कभी भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ मुखर होके सामने नहीं आती हैं, या आम आदमी पार्टी भी, जैसे शरद पवार से भी कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर मिले और एक थर्ड फ्रंट बनने की बात हुई, और कई बार ये सारी पार्टियाँ एक मंच पर दिखाई दी हैं, लामबंद दिखाई दी हैं। तो इसमें कई तरीके हैं, कई चीज़ें हैं। हर चुनाव से पहले हर पार्टी ये चाहती है कि उसका जो बेस है, जो उसका आधार है, वो प्रदेश में हर तरीके से मजबूत हो जाए। वो चाहती है कि छोटी पार्टियों से, अभी आपने एक वीआईपी पार्टी का नाम सुना होगा कुछ दिन पहले, उसका यहाँ पर बड़े मतलब मीडिया में बड़ा उसका विज्ञापन आया कि उन्होंने जो है अपनी एक नई पार्टी बनाई है। तो हर पार्टी चाहती है कि भाई वो राजनीति में आए, उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाए, लोकसभा तक वो पहुँचे और यहाँ से मुख्य चुनाव को वो जीत के जाए। लेकिन बात वही है कि मुद्दे क्या हैं, अभी मुद्दों को कौन भुना पाता है। देखिए मुद्दे बहुत हैं उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी, महंगाई, ये तो मतलब पूरे देश का मुद्दा है, बेरोजगारी, भर्तियां, महिला सुरक्षा,
कोविड मैनेजमेंट, गंगा के किनारे या यमुना के किनारे जो कोविड की जो वो थी लाशें थी वो निकल के आना, बहुत सारी बातें हैं। इन सारी बातों पर बीजेपी सरकार को घेरा जा सकता है। सब अपनी तैयारी में लगे हुए, सब अपनी घेराबंदी करने में लगे हैं और आपको बहुत सारे चमत्कारिक गठबंधन भी देखने को मिलेंगे। जैसा आपने सुना होगा भी होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम 100 से ऊपर सीटों पर अपने चुनाव लड़ाएंगे यहाँ पर। और एक साक्षी महाराज का बयान भी आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि आया था कि भाई जब हम कहीं चुनाव नहीं जीत पाते तो असद जी से हम जो है सहयोग लेते हैं या उनके साथ हमारा वो रहता है। तो देखिए ये सारी बातें बताती हैं कि गठबंधन किसी भी तरीके का चमत्कारिक देखने को सामने आ सकता है, क्योंकि देखिए 2022 बहुत क्रूशियल होने वाला है। ठीक है, बहुत सारी बातें होंगी। अखिलेश यादव ग्राउंड पे नहीं है, लेकिन लगातार मैंने आपसे कहा जैसे प्रियंका गांधी अभी ग्राउंड पे आपको दिखाई पड़ रही है, 3 दिन से कितने दिन रुकती हैं ये देखने वाली बात होगी। रुकना बहुत बड़ी चीज़ है और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव वन डे वंडर्स वाला नहीं है, ये एक टेस्ट मैच की तरीके होता है। अगर आप पहले 3 दिन यहाँ पे बैटिंग कर ले जाते हैं तो आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं। उनको रुकना पड़ेगा, चुनाव बहुत करीब आ चुका है, 6 या 7 महीने का मेरे ख्याल से बचा हुआ है चुनाव, और कभी भी आचार संहिता के साथ जो चुनाव की घोषणाएं हो सकती हैं, इसलिए रुकें, गठबंधन देखें। वोटों की राजनीति बहुत होगी, मैंने हमेशा कहा ब्राह्मण वोटों पे नजर है कांग्रेस की बहुत दिनों से, लेकिन कोई समीकरण ऐसा बनता नहीं आ रहा है, नजर आ रहा है। जतिन प्रसाद को उन्होंने अपने साथ रखा, वो चीज़ उनके साथ नहीं रही। देखते हैं, चुनाव आ गए, सबने अपने घोड़े खोल दिए, बिसात बिछ चुकी है, लेकिन बीजेपी सरकार के सामने जो कुछ मुश्किलें हैं वो बहुत बड़ी, बेरोजगारी का मुद्दा जो है जो लगातार पिछले कई सालों से उठाया जा रहा है, महंगाई, मैंने अभी भी कहा इस महीने में भी ये नवी बार ऐसा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। और देखिए परोक्ष रूप से ये आप जानते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं घरेलू वस्तुओं के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। वो एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आग लगती है, सिलेंडर के दाम, दूध के दाम, आप देखिए जिस तरीके बढ़ रहा है, तेल इतना महंगा हो गया है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रही है। अब देखना है कि ये वोट कन्वर्जन कैसे होता है, और इस वोट कन्वर्जन के लिए बड़ी पार्टियों को अपने चेहरों के साथ उतरना पड़ेगा। प्रियंका गांधी एक बहुत मजबूत चेहरा है, और यहां पर एक बार मैं बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को भी यह घोषित करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन यहां पर होगा। अगर वो बिना चेहरे के चुनाव लड़ते हैं तो उसकी अपनी प्रोज एंड कॉन्स है, और अगर चेहरे के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है। मनीष, तो विश्लेषण जरूर करना होगा एक बार उनको। जी मनीष, जिस तरीके से अभी आपने लोगों की समस्याओं को उठाया, जिस तरीके से इस वक्त महंगाई का मुद्दा बहुत ज्यादा उठ के सामने आ रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा भी अब उठ रहा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी इस वक्त गंभीर बना हुआ है, तो ऐसे में अश्विनी जिस तरीके से विपक्ष का काम है प्रश्न करना, तो उसी प्रकार से आपका भी काम है कि अगर सवाल उठते हैं तो उनका जवाब देना, जो कमियां हैं उनकी कमियों को पूरा करना। तो अश्विनी जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है, महंगाई का मुद्दा उठ रहा है, क्या जनता आपसे खुश है? क्या 2022 में भी पूर्ण बहुमत आपकी पार्टी को मिलेगा? जो हमने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के नारे पर 2017 में जो चुनाव जीता और रिकॉर्ड कायम किया, उस रिकॉर्ड को हम खुद ही तोड़ेंगे। और इतना आत्मविश्वास इसी जनता के, 23 करोड़ जनता के बल पर है हमको कि हमारे साथ वो जनता है, क्योंकि हम सभी की बात करते हैं, आरोप लगते हैं हमारे ऊपर बहुत, लेकिन हम किसी एक दल की पार्टी, एक धर्म की पार्टी नहीं, एक जाति की पार्टी नहीं है, सबने मिलाकर हमको वोट दिया है तो 300 से ऊपर हम जीत पाए हैं, किसी एक जाति और धर्म के ओर से 300 नहीं पाते हैं। हम सबका काम करते हैं, मकान बांट रहे हैं तो हम किसी जाति धर्म को नहीं बांट रहे हैं, हम गैस रसोई गैस बांट रहे हैं तो किसी एक जाति धर्म को नहीं बांट रहे हैं, तो इस पर हम काम नहीं करते हैं। अभी हमारे सपा के प्रवक्ता ने 2-3 बातें कहा, चंदौली बनारस और पता नहीं कहाँ कहाँ की महिला घटनाएं दिखाई। अपने फिर मैं आईना दिखाना चाहता हूँ कि 2016 की घटना याद कीजिए, एक मैनपुरी में एक घटना हुई थी जिस महिला को मारा गया था किस तरीके से पुलिस के सामने, वो घटना शायद हमारी बहन शालिनी जी भूल गई थी, उस घटना को भी याद करिए। और उसके बाद अभी हमारे भाई मनीष जी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत बड़ा चेहरा है। मनीष भाई, मैं एक चीज सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ आपको कि प्रियंका गांधी जी जब से कांग्रेस में आई है सक्रिय रूप से, वहां देखिए किस तरीके से बड़े नेताओं में भगदड़ मची है, क्या स्थिति है वहां। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा चेहरे की जरूरत होती है और बहुत मेहनत की जरूरत होती है, बार बार आपने इंगित किया, उसका मैं स्वागत करता हूँ, फिर रहना पड़ेगा यहाँ दिल्ली से बैठकर। कांग्रेस के लोग ट्विटर पर राजनीति करते हैं, अखिलेश जी को अभी अनुष्का जी ने कहा कि सड़क पर नहीं दिखाई दिए 15 तारीख को, शालिनी जी ने कहा कि हमारा आंदोलन हुआ था, अखिलेश जी भी ट्विटर के खिलाड़ी हो चुके हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरती के नेता थे, वो सड़कों पर रहते थे,
अभी इन्होंने कहा 15 तारीख, कितना दिन हो गया शालिनी जी, आप सोचिए सपा सड़क पर कब उतरी थी, 15 तारीख अभी 2 दिन पहले था तो आपको याद है। लेकिन कुछ अगर मजबूत विपक्ष का होना और दिखना दोनों जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप हमको हमारी चीजें बताएंगे तो हम काम करेंगे उस पर। अश्विनी जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि आप बंपर जीत 2022 में दर्ज करेंगे, आप काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं कि विपक्ष के पास बड़ा चेहरा नहीं है, तो आप भी तो किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। सीएम योगी पर आपको विश्वास नहीं है तो आप काशी में पीएम मोदी को लेकर आ रहे हैं, वही कार्य समिति की बैठक होती है जहां जेपी नड्डा को विकास के आंकड़ों को चिन्हित करना पड़ रहा है, उन्हें दिखाना पड़ रहा है कि हमने कितना काम किया है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर जनता काम देख रही है तो वो आपको समर्थन देगी, आपको कामों को दिखाना क्यों पड़ रहा है, उनका बखान करना क्यों पड़ रहा है? ये तो मतलब बड़ा ही ये सवाल मुझे तो नहीं लगता कि लाजमी है यहाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। हमारे यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, जेपी नड्डा जी नेता है, हमारे योगी जी हमारे नेता है, हमारे नेता जो है अमित शाह जी है, ये हमारे नेता हैं। और कोई अगर अपना एमपी अपने क्षेत्र में आता है और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई हमारे उत्तर प्रदेश के चीजों का बखान करता है उसमें क्वेश्चन मार्क कहता है हमारे माननीय योगी गांधी भी कांग्रेस का चेहरा है ना, तो आपको उनसे क्या परेशानी है? सुन लीजिए जी, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी चेहरा हमारे पास है मुख्यमंत्री का, जिसमें बड़े कयास विपक्ष ने लगाए और आप लोगों ने भी सुख कयास लगाए, सुर में सुर मिलाया, सारे कयास ध्वस्त हो गए। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, ये सबने बोल दिया है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, अखिलेश यादव जी से पूछिए, शिवपाल सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया उन्होंने। आज जो है कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, 5-6% में मुख्यमंत्री का तो नाम ही नहीं होता है, बाकी दूसरे दल तो किनारे नेपथ्य में है, लेकिन एक जो दल है समाजवादी पार्टी, क्या वो अखिलेश यादव की जगह दूसरे को मुख्यमंत्री बना सकती है? नहीं बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने के पास चेहरा भी है, चाल भी है, चरित्र भी है, तीनों है और काम भी हम कर रहे हैं। शालिनी जी आपको अपने पार्टी के लिए खोजना पड़ेगा अखिलेश यादव जी की जगह, क्योंकि वो देंगे नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये हमारे लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है, जिसमें ऊपर से नीचे तक नेता है, जब इच्छा अगर काम नहीं होता है, देखिए उत्तराखंड में काम नहीं हुआ पैमाने पर दो दो मुख्यमंत्री बदल दिए गए, ये होता है हमारे यहाँ, ये सब चीजें लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारी पार्टी में अभी लोकतंत्र जिंदा है। जी शाही जी, आपने अभी एक बात कही कि आप काम नहीं हुआ तो दो दो मुख्यमंत्री बदल दिए गए, ये आपके ही स्टेटमेंट है, तो जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है क्या उसमें काम नहीं हुआ है, जो केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री सब बदले गए हैं, आप ये मान रहे हैं? मनीष जी हमारी बातों का थोड़ा सा गलत वो ले गए। नहीं, अरे सर आप ही ने कहा काम नहीं हुआ, करता हूँ, रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोला रहा, मोर्चा तो कांग्रेस में भी बहुत खुला नहीं, खोला रहा है, लेकिन वो ट्विटर पर लगातार बने भी रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं और कोविड काल में रहे, क्या कहीं आप मानते हैं कि कोविड मैनेजमेंट में कोई दिक्कत हुई जो उनको हटाया गया? मेरी पूरी बात बीच में मत बोलिए, मैंने आपकी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि हमारा ये भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, यहाँ पर अगर अपेक्षा पर कोई खरा नहीं उतरा उसको हटाया भी गया है, मैंने उत्तराखंड का उदाहरण दिया। हर्षवर्धन जी को किस कारण से हटाया गया ये आप जानते हैं, आप लोग मीडिया के लोग हैं। नहीं सर हम जानते हैं, लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी फैसला है, आप बताएंगे कैबिनेट एक्सपेंशन क्यों हुआ? ये लोकतंत्र है। अच्छा ये इसको देखिए, अब हास्यास्पद चीज मनीष जी आप बोल रहे हैं। नहीं हास्यास्पद नहीं है सर, ये मुख्यमंत्री हटाए हैं आपने, कैबिनेट एक्सपेंशन करा है, केंद्रीय मंत्री हटाए हैं, कोई आधार तो होगा? आप देखिए आधार क्यों नहीं होगा, आधार होगा, ये आधार देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, ना हमारे ना आपके कहने से चेंजेस नहीं होते हैं। नहीं प्रधानमंत्री जी और आप हमें बताएंगे, जनता ने चुन के भेजा है आपको, जनता पूछ रही है भाई कि आपने स्वास्थ्य मंत्री को क्यों हटा दिया? जनता ने एमपी चुनकर भेजा है, मंत्री बनाना प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री को हटाया गया तो स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं थी उनमें कुछ ना कुछ कमियां रही थी, आप मानते फिर इस चीज को? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके से हटाए गए, स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई कमी कैसे, इतना बढ़िया हमने पूरे देश में कोविड मैनेजमेंट किया है, कैसे हम स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी मान ले, कैसे हम कमी मान ले? हमने लोकतंत्र की बात की और आप लोगों ने घुमाया उसको,
मतलब भारतीय जनता पार्टी के काम अगर लोकतांत्रिक पार्टी है तो उस पार्टी को आप लोगों ने खारिज कर दिया, और कांग्रेस जैसी जो किसानों की जमीन हरियाणा में कब्जा कर कर बैठे हैं उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश में आती है तो बड़ा चेहरा है। मनीष जी महिमा मंडित कर रहे हैं, अरे भाई मनीष जी कांग्रेस के प्रवक्ता हो जाइए, क्यों राजनीति? नहीं नहीं नहीं, आपको मुझे लग रहा है आपने इस बात को निजी उसमें ले लिया है, आपने निजी उसमें ले लिया है। नहीं नहीं, अगर उस पर बात करने लग गए तो बहुत लंबा वक्त बीत जाएगा। अश्विनी जी वापस आते हैं, लंबा वक्त बिताइए चर्चा के, मैं दो घंटे देने के लिए हाजिर हूं। अश्विनी जी मैं आती हूँ आपके पास, मैं इस पर अगर चर्चा करेंगे तो काफी लंबा वक्त बीत जाएगा, मेरे पास समय की कमी है। तो मैं शालिनी जी आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं परिवारवाद का अब आरोप लगा है कि क्या अखिलेश अब अपने अलावा किसी दूसरे चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार है, तो सीधे तौर पर कांग्रेस की बात हो चाहे आपकी पार्टी की बात हो, दोनों पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आगामी चुनाव में जिस तरीके से पिछले चुनाव में हमने हार का सामना आपकी पार्टी ने हार का सामना करा था, हम सब ने वो देखा था, तो क्या अब अखिलेश यादव अपने जगह पे किसी और को वैकल्पिक तौर पर उतारेंगे? देखिए ये सब बेमानी बातें हैं जो भाजपा मुख्य मुद्दों से हटा करके आपका ध्यान हटाने के लिए इन सब बातों को उठाती है। परिवारवाद की बात जो वो उठाते हैं, भाजपा में स्वयं परिवारवाद आप देख रहे हैं कि, लेकिन बस उसको प्रचारित करने के लिए उनके पास विपक्ष के नाम होते हैं, और ये सब आज ये सब मुद्दे ना होकर के अभी उन्होंने कहा कि उनके पास जो चेहरा है योगी आदित्यनाथ जी का जो चेहरा उन्होंने बात की, तो उस चेहरा पे की उपलब्धि भी तो गिनाए, उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं उस चेहरे पर उसको उसको उस पर भी तो थोड़ा प्रकाश डाले। जो अभी आपने देखा कि जब कोरोना का कुप्रबंधन, कोरोना का कुप्रबंधन सबसे बड़ा प्रमाण है उनकी उपलब्धि का, जिसमें प्रवासियों को किस तरीके से उन्होंने प्रताड़ित किया, उसके बाद अभी आपने देखा कि गंगा में किस तरीके से लाशें तैरती हुई मिली हैं, और कानपुर से लेके बलिया तक जो हमारे गंगा के घाट हैं वो हिंदू प्रथा के विपरीत लोगों को वहां दफनाना पड़ गया है उनके शवों को। ये उपलब्धियां हैं आपके, आपका जो चेहरे की बात आपने की है उनकी ये उपलब्धियां हैं, और ऑक्सीजन की कमी के बिना लोग तड़प तड़प के अस्पताल के बाहर मर गए हैं, जिन्हें दवाई नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिला, ये आपकी उपलब्धि है। और महंगाई और बेरोजगारी तो छोड़ दीजिए, वो तो था ही, उससे तो त्रस्त थी ही प्रदेश की जनता, लेकिन आपके इस कुप्रबंधन ने उसको अब जीने के लिए भी उसकी उसको अब उसके लिए जीने का भी आपने मौका नहीं छोड़ा है। तो जो आप चेहरे की बात कर रहे हैं उनकी ये उपलब्धियां हैं, और जहां आपने अखिलेश यादव जी की बात की तो उन्होंने जो कार्य करके दिखाए हैं, आज जो विकास जिस जो आज अभी तक आज आप फीता काट रहे हैं वो उन्हीं के कामों का, आज तक आज चार साढ़े चार साल हो गए अभी तक उन्हीं के कार्यों का फीता आप काट रहे हैं, और उसको उसको प्रचारित करते हैं कि आपने किया। तो ये जो चेहरे की बात की है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक चेहरा है, एक विकल्प है जिसने जो टेस्टेड है और जिसने विकास करके दिखाया है, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव हैं। जी, तो जिस तरीके से विकास की बात आप कर रही है, चलिए मानते हैं कि आपकी सरकार में विकास के काम हुए, तो रिवर फ्रंट का जो इस वक्त मामला है जो गंभीर दिखाई दे रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार सामने आया है और कई कलैया जो अभी खुलती हुई दिखाई दे रही है और भी आगे आने वाले वक्त में नाम सामने आ सकते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाजपा अब किसी से छुपा नहीं है कि भाजपा जो चुनाव अकेले नहीं लड़ती है, वो ईडी सीबीआई और ये तरह तरह के तंत्रों के साथ चुनाव लड़ती है, और अब चूंकि चुनाव आ गया है तो आप ऐसी बहुत सारी चीजें देखेंगी जिनका बाद में क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट आप अभी बहुत देखेंगी। रिवर फ्रंट की जो आपने बात की है वही वो एक बहुत बड़ी जो गंगा पर बात की गई, और गंगा का आपने क्या हाल देखा, रिवर फ्रंट की जो बात की है और जो यमुना पर जो काम हुआ यहाँ पर वो गोमती पर जो काम हुआ है वो उसकी चर्चा देश ही नहीं पूरे विदेश में हुई है उसकी। तो सीधे तौर पर शालिनी आप कहना चाह रही हैं कि जो सीबीआई है वो सरकार के अधीन होकर काम कर रही है, इस तरीके से जो सरकारी संस्थाएं चल रही हैं 200%। आज मैं आपके इससे माध्यम कर रही हूँ, और सिर्फ सीबीआई ही कार्य नहीं कर रही है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक आप पंचायत इलेक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, अश्विनी जी जिस तरीके से आपकी बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, सरकारी संस्थाएं आपके सरकारी संस्थाओं ने एक किस तरीके से उनको धमकाया गया, उनको अगवा किया गया, उनके मकानों पर बुल्डोजर चलाए गए हैं, किसी से छुपा नहीं, लोकतंत्र की हत्या करके किस तरीके से ये पंचायत चुनाव पे अपने सत्ता हासिल की है वो सबने देखा है,
क्योंकि जो जहां जनता को वोट करना था उसने तो अपना मैंडेट दे दिया था, लेकिन जहां धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करना था वहां वहां आपने ये लोकतंत्र की हत्या करके वो भी आपने कब्जा किया है उस पर। पांचों यादव, यादव महासभा हो गई है सपा, अब ना इनके साथ ब्राह्मण है ना राजपूत है ना मुस्लिम है, जाति अभी आपने कहा कि जाति धर्म की राजनीति भाजपा नहीं करती है, तो ये सब बातें कहाँ से आ गई आपकी? मेन मुद्दे पर आइए ना, बेरोजगारी पर आइए, महंगाई पर आइए। अरे सपा की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए से ऊपर डीजल पेट्रोल कब से है, गैस का सिलेंडर जो अभी आपने कहा कि हम देते हैं, आपने जो दिया उसके दाम 3 गुना है, दोबारा सिलेंडर नहीं ले पाई है महिलाएं, और उस पर बात करिए। अभी आपने अभी अपनी बातों का विरोधाभास आप प्रकट कर रहे हैं सामने, समाजवादी पार्टी अपनी बात करिए, आपने क्या किया है जी शालिनी? शालिनी जी, जिस तरीके से आपने अभी मुद्दों को उठाया है, आप कह रही हैं कि महंगाई का मुद्दा है, मानते हैं कि आपकी सरकार, आपके कार्यकर्ता जो भी हैं, वो सभी इस मुद्दों को उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे आपके सुप्रीमो नहीं उठा रहे, वो खुद सामने आकर इन सबकी कमान नहीं संभाल रहे, वह पीछे से सभी को आदेश दे देते हैं, जिन्हें अब ट्विटर का सारथी कह दिया गया, उनसे कहा गया कि वो ट्विटर वॉर ही अब कर रहे हैं, सामने आकर फ्रंट फुट की लड़ाई नहीं कर रहे। तो चलिए इसी पर जवाब देना चाहूंगी। आज ही देखा आपने कहा कि प्रियंका गांधी आकर के सामने लड़ाई लड़ रही हैं। तो अगर वो आके सामने लड़ाई हैं, तो लड़ रही हैं, तो जीपीओ पर उनके खिलाफ अभी 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी जिस तरीके से इस आपदा में अवसर इस सरकार ने निकाला है और विपक्षियों को कोविड के नियमों के अंतर्गत जिस तरीके से ये उनको चिन्हित करके उन पर कार्य करती है, तो अभी आपने कहा कि हाँ उन पर मुकदमा हो गया, और इसका मैसेज ये जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां कोविड का ध्यान नहीं रखती हैं, जनता के हित में कार्य नहीं करती हैं। तो अगर हमारे सुप्रीमो आप जो कह रहे हैं, हमारे अगर नेता अगर बाहर उतर आएंगे इसी तरीके से, तो वही तब भी आप प्रश्न करेंगे जहां भीड़ जुट जाएगी ऐसे। अब कोई हम प्रधानमंत्री तो है नहीं कि जो 6,000 की भीड़ बीएचयू में जमा करके फिर ज्ञान देते हैं कि सबको अब भीड़ से दूर रहना होगा, सबको तीसरी लहर के लिए जो है उसकी हमारी आसियत प्रधानमंत्री की तो नहीं है, हमारे ऊपर तो तुरंत एफआईआर हो जाएगी। तो आपने जो ये बात कही कि वो क्यों नहीं निकल रहे हैं, उनकी सेना जिले जिले गांव गांव में जो कार्य कर रही है वो पर्याप्त है, और इसको देख करके ही आज बीजेपी बौखलाई है। हाँ, शालिनी जी, आपकी सेना काम कर रही है, चलिए मानते हैं, कोविड नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ा रही है, चलिए वो भी मान लेते, लेकिन आगरा में जो हुआ, आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के खुलेआम नारे लग रहे, ये किस तरीके से आपके कार्यकर्ता काम कर रहे? वो तो अगले दिन ही उसका देखिए, जो भाजपा का जो अफवाह तंत्र है और जिस तरीके की राजनीति, ओछी राजनीति वो करते हैं, वो अगले ही दिन जब उन्होंने इतना सफल अभियान देखा और इतना विरोध देखा कि इतना लार्ज स्केल पर ये पूरे प्रदेश में इसका एक संदेश गया है, तो इस तरीके की छोटी सी क्षुद्र राजनीति करने वाले भाजपा के लोग, जिसका खुलासा अगले दिन ही हो गया कि वो स्वयं भाजपा का कार्यकर्ता है जिसने ये कार्य किया है, और अब मैं चाहती हूँ कि आप एक ट्विटर पोस्ट पे या सोशल मीडिया की पोस्ट पर आम किसी भी आम आदमी को जेल में डाल देने वाली सरकार अब क्या कार्य करती है ऐसे व्यक्ति पर जो उनके पार्टी का बताया जा रहा है और जिसने ऐसा देशद्रोह का कार्य किया है। जी चलिए अश्विनी जी, मैं माफ कीजिएगा, आशीष कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो चलिए आपसे मैं जानती हूँ, जिस तरीके से अब आपकी पार्टी पर सीधे तौर पर बात की जा रही है, आप प्रियंका गांधी आई हुई हैं उत्तर प्रदेश में, 2 दिन से लगातार ताबड़तोड़ हमले सरकार पर कर रही है, ऐसे में आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी के पास कोई भी चेहरा नहीं है जिस चेहरे पर वो चुनाव लड़ सके। प्रियंका गांधी अपने भाई को डिफेंड करने के लिए हर जगह पहुंच जाती हैं, चुनावी रैलियां करती हैं, उन्हें जिताने की कोशिश करती है, वहीं अब वो उत्तर प्रदेश में आई है और उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, तो क्या लगता है कि 2022 में क्या वो परमानेंट यूपी का चेहरा रहने वाली है, या फिर वो इसी तरीके से पीछे रहकर ये मोर्चा संभालेगी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उनकी बात का प्रश्न का उत्तर देने दीजिए जो इन्होंने यूपी इलेक्शंस को लेकर क्वेश्चन खड़े किए हैं। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑन 25th November 1949 व्हेन डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही यू नो गेव 3 अलार्मिंग कंडीशन टू द इंडिया, दैट फर्स्ट देर भक्ति, इन भक्ति जो होती है यदि वो रिलीजन में है तो वो सेल्वेशन ऑफ सोल बन सकता है, लेकिन अगर वो पॉलिटिक्स में आती है तो वो डिक्टेटरशिप को क्रिएट करता है और ऑथोरिटेरियनिज्म को क्रिएट करता है, जो अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में हो रहा है। जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से ऑथोरिटेरियनिज्म को थोपा जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के
पूर्ण तरीके से उनके लोकतंत्र और डेमोक्रेटिक इलेक्शन के विपरीत है। और दूसरे नंबर की बात, हमारे पास चेहरा नहीं है, ये पूर्ण तरीके से अस्वीकार्य बात है। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में पूर्ण तरीके से सक्रिय है, प्रदेश की प्रजा के प्रश्नों को लेकर की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, बेरोजगारी की समस्या हो, हाइपर इन्फ्लेशन की बात हो, या फिर जिस तरीके से माइनॉरिटीज कम्युनिटी का प्रोसिक्यूशन हो रहा हो, उनके सभी मुद्दों को हम ज्वलंत तरीके से वहां की सरकार के समक्ष रखते हैं। और जहां तक हार और जीत का प्रश्न है तो हम चुनाव कदापि जीत को केंद्र में रखकर नहीं लड़ते। हमारा उद्देश्य होता है कि जहां से प्रजा के हित की बात करना और उनके प्रश्नों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, क्योंकि हमारा दर्शन रहा है जी, कि अतिथि देवो भव की भावना को प्रस्तुत करना। अश्विनी जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय की कमी है। आखिरी सवाल मैं राजनीतिक विश्लेषक मनीष सिंह से करना चाहूंगी। मनीष, कैसे आपने सभी की बातों को ध्यान से सुना, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप बारीकी से समझ रहे हैं, तो क्या लगता है जिस तरीके से अभी कई पार्टियों में मुख्य चेहरा ही घोषित नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका मुख्य चेहरा क्या रहने वाला है, किसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसे में 2022 का चुनाव कितना अहम रहने वाला है, कितना दिलचस्प रहने वाला है? देखिए, 2022 का चुनाव, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जब ये कोविड की दूसरी लहर थोड़ी सी कम पड़ी और उसके बाद प्रधानमंत्री जी परसों काशी आए, अभी जो बीजेपी के जो सम्मानित प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि उनका सांसदीय क्षेत्र है वो आ सकते हैं, माना, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आकर एक सर्टिफिकेट दिया कि मतलब हमारे यहाँ सब कुछ सही है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार जो है हमले कर रही है, 15 तारीख को उन्होंने प्रदर्शन भी करा और कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी को उतार दिया है अब मैदान में, तो ये देख कर समझ में आता है कि जो चुनाव की बिसातें हैं उत्तर प्रदेश में वो बिछा दी गई हैं। संजय सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी, और जो छोटी पार्टियां हैं जो 2 सीट 3 सीट, इन पर भी सबकी नजर रहने वाली है। ये बहुत बड़े गेम चेंजर भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर कुछ ऐसा होता है कि बीजेपी उस तरीके का वोट बैंक नहीं रिट्रीव कर पाती है 2022 में, तो इन छोटी पार्टियां, ये जो दो सीट्स वाले हैं, 5 सीट वाले हैं, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं। लेकिन मुद्दे, मैंने अभी भी आपसे कहा, मैं पहले भी कह रहा था, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए अगर आप 5 साल सत्ता में रहते हो तो कोई भी सरकार सत्ता रहे तो उसकी सफलताएं भी होती है, विफलताएं भी होती है, लेकिन विपक्ष कैसे उनको भुना पाता है ये देखने वाली बात होगी। अखिलेश यादव हैं, प्रियंका गांधी हैं, संजय सिंह हैं, और स्वयं योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा और प्रधानमंत्री का चेहरा भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा। ये कहने वाली बात नहीं है इसमें कि कोई भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश का पिछला चुनाव लड़ा गया होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको खुद मानती है कि उसने कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं उतारा था और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी यहां पर आए। तो देखने वाली बात यह होगी कि चेहरे, मुद्दे और जनता की सोच की टक्कर में कौन जीतता है, लेकिन जो पहले आ गया और जो टिक गया उसके लिए खेल थोड़ा मजेदार होने वाला है, नहीं तो छोटी पार्टियां मजा किरकिरा करने के लिए तैयार हैं, कमर बांध लीजिए, टीवी की कुर्सियां बांध लीजिए, बहुत मजा आने वाला है आपको 2022 में। तो जी मनीष, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि आगामी चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला, सभी राजनीतिक दल अपनी जोर कोशिश में लग चुके हैं, अब आगामी समय में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी चुनावी मुद्दों को भुना पाती है कौन सी नहीं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए थे मनीष सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सपा से शालिनी यादव, आप हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही बीजेपी से अश्विनी शाही और कांग्रेस से आशीष कोटाड़िया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है, दिया है सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर जनता को लुभाने, सुरक्षा कर रहा है कोई, महंगाई के मुद्दे पर बात कर रहा है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, विपक्षी दलों पर लगातार छींटाकशी कसी जा रही है, वहीं खुद की कमियों पर भी काम करने का दौर जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी जीत दर्ज कर पाती है। इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।